आइए दोस्तों बात करते हैं डिजाइन थिंकिंग लाइफ एज अ मूवी। अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह सोचो, जैसे एक फिल्म डिजाइन होती है, जैसे एक फिल्म का पूरा प्लॉट बनाया जाता है, वैसे ही इस वीडियो में, इस 4 मिनट के वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ एज अ मूवी। लाइफ एज अ मूवी मतलब यार देखो एक फिल्म बन रही है, मान लो उसमें 2 सीन किसी एक लोकेशन पे हैं और 2 सीन किसी दूसरी लोकेशन पे। मान लो 2 सीन आपके होने हैं शिमला में और 2 सीन आपके होने हैं गुवाहाटी में। तो ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्टर पहले एक सीन यहाँ पर शूट करेगा गुवाहाटी में, फिर सेकंड सीन के लिए शिमला जाएगा, फिर थर्ड सीन के लिए फिर गुवाहाटी और फिर फोर्थ सीन के लिए फिर शिमला। ऐसे में तो भाई कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो डायरेक्टर अपने दिमाग में पहले से एक प्लान करता है कि भैया मैं 2 सीन शिमला में शूट करूंगा पहले, फिर 2 गुवाहाटी में और फाइनली उसको एडिट करूंगा। तो पहले से दिमाग में होता है कि करना क्या है, पूरा डिज़ाइन है, ग्रैंड डिज़ाइन हमारे दिमाग में होता है। तो वही यहाँ है, हमें भी अपनी लाइफ को एक फिल्म की तरह सोचना है। हमें सोचना है कि कौन कौन से सीन होंगे, प्लॉट होंगे, कैरेक्टर होंगे। यहाँ पे इस फिल्म के एक्टर भी आप हो, डायरेक्टर भी आप हो, सिंगर भी आप हो, राइटर भी आप हो, ये आपकी जिंदगी है। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आपका है। और शुरू करने से पहले किसी भी फिल्म को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्टोरी लिखना। तो राइट योर स्टोरी, आप क्या बनना चाहते हो? आप सिंगम की तरह एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हो? आप चाहते हो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना? आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो IAS अफसर बनूंगा, डॉक्टर और इंजीनियर बनूंगा, IITN बनूंगा या फिर IIM के अंदर जाऊंगा? तो ठीक है ना, राइट योर स्टोरी। एक रिच एंड फेमस बिजनेसमैन बनना है, क्या बनना है उसको वहाँ पर लिखो। एक बहुत अच्छा फार्मर किसान बनना है वो लिखो। और सबसे फिर उसके बाद चीज आएगी कास्टिंग। कास्टिंग क्या, आपकी इस पूरी फिल्म में कौन कौन से लोग आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर होंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से आपकी फिल्म के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होने हैं आपके साथ में। और ये भी प्रोफाइल बना लेना, कौन कॉम्पिटिटर होगा, यानी कौन विलेन का रोल इफेक्ट आपके सामने करेगा, किस तरह के लोग आपके सामने एज अ विलेन आएंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे। कास्टिंग पूरी देखनी है आपको। ये देखना है किस तरीके से कौन से लोगों को किस तरह के किरदार में फिट करना है, कौन से आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे, कौन से आपको पढ़ाई में हेल्प करेंगे। और फिर इंपॉर्टेंट है प्लॉट एंड लाइटिंग। प्लॉट एंड लाइटिंग क्या होता है दोस्तों, जिंदगी में जैसे फिल्म में होता है ना इंपॉर्टेंट सीन्स के ऊपर लाइटिंग रखी जाती है, वैसे ही जिंदगी में इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर लाइटिंग रखो। आपको तय करना है किस किरदार के ऊपर लाइटिंग होगी, इस पे नहीं होगी। जिंदगी में गलती हम क्या करते हैं, उन किरदारों पे, उन कैरेक्टर्स पे ज्यादा लाइट शो करते हैं, ज्यादा हाईलाइट करते हैं जो हमें पीछे ला रहे हैं। नहीं भैया, इंपॉर्टेंट सेगमेंट को हाईलाइट करो, जो आपको आगे बढ़ने हेल्प करेंगे, जो आपकी फिल्म में मेन कैरेक्टर होंगे उन पे लाइट डालो। सब पे लाइट डालने की कोई जरूरत नहीं है, सबको अपनी जिंदगी इंपॉर्टेंट हिस्सा ना बनाओ। और वही फिर साउंड एंड वॉइसेस, डायलॉग एक फिल्म का हिस्सा होते हैं, बहुत उसको हिट करने में आगे लेके जाते हैं। कुछ डायलॉग बहुत लंबे समय तक याद रह जाते हैं, ऐसे हमारा जिंदगी में भी होता है, हमारी लाइफ में भी होता है। कुछ साउंड, कुछ आवाज है कि तू नहीं कर सकता, तू कर सकता है, इस तरह से हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलते हैं। सिर्फ उन साउंड को, उन वॉइसेस को अपनी फिल्म में जगह दो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। उनको हटा दो जो पीछे ला रहे हैं, वो नेगेटिव आवाजें हटा दो, वो साउंड हटा दो जो आपको कमजोर बनाते हो, वो आवाजें, वो साउंड लेकर आओ जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो अब आपको सब कुछ पता लग ही गया है, तो गो ग्रैब योर कैमरा एंड स्टार्ट शूटिंग। अरे जुट जाओ अपनी लाइफ को एज अ फिल्म बनाने के लिए, ताकि वो एक सुपर हिट फिल्म बने। ऑल द बेस्ट अपने इस नए वेंचर के लिए। और दोस्तों अगर ये पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करो, हिम्मत मिलेगी मुझे भी। ऑल